नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज की वीडियो में आपके लिए जो मैच कवर करेंगे वो मैच है दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रीमियर लीग का आज के दिन का पहला मैच जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम CSR वर्सेस टीम BZW के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर इस मैच की आपको कंप्लीट एनालिसिस में करके देने वाला हूँ, साथ में यहाँ पर मैं दोनों ही टीम्स के लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि ये आपको पता चल सके कि इस मैच में कौन से प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे कैप्टनसी के लिए और कौन से प्लेयर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए। तो बस आपको वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हो। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और जाकर मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर ऐप की ओर, स्कोर कार्ड की ओर, जहाँ पर मैं आपको दोनों ही टीम्स के लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस मैच के टाइमिंग की, तो ये मैच दोस्तों यहाँ पर 1 बजे खेला जाने वाला है डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम पर। तो अगर यहाँ पर बात की जाए सबसे पहले दोनों ही टीम्स के पॉइंट पोजीशंस की, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही टीम जो है वो यहाँ पे टॉप टेबल पे हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, यानी कि दोनों ही टीम टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्ग टीम है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए टीम BZW की, तो इन्होंने 4 मैच खेले हैं जिसमें से 2 जीते और अपना एक भी मैच इन्होंने हारा नहीं है, 2 मैच इनके नॉट रिजल्ट रहे हैं। जबकि CSR की टीम ने 4 मैच खेले हैं जिसमें से 2 जीती हैं 2 हारे हैं। तो देखा जाए तो थोड़ा सा पलड़ा यहाँ पे BZW का भारी है, जिस कारण से इनके 60 या 70% चांसेस हो सकते हैं विन करने के, और CZR के मुझे यहाँ पर ओनली 40 के आसपास चांसेस लग रहे हैं विन करने के। तो एक बार दोस्तों यहाँ पे वेदर रिपोर्ट को भी चेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि लाइट रेन के चांसेस रहने वाले हैं इस मैच के दौरान, तो मैच डिले हो सकता है, या तो मैच के दौरान बारिश होगी या फिर मैच से पहले बारिश होगी। विकेट की बात की जाए बैलेंस्ड विकेट है, यानी कि दोनों सभी को मदद मिलेगी, बॉलर्स स्पिनर्स यानी कि पेसर्स स्पिनर्स और बैट्समैन को। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर आपको 135 के आसपास बनता हुआ नज़र आ जाएगा। तो दोनों ही टीम्स के लास्ट मैच के स्कोर कार्ड को चेकआउट कर लेते हैं। तो CSR की टीम कल ही अपना मैच 5 विकेट से जीत कर आ रही है, और ये मैच इनका जो था वो बारिश के कारण मात्र 10 ओवर का ही कर दिया, 9 ओवर का ही कर दिया गया था। तो इस मैच में CSR की टीम ने सबसे पहले गेंदबाजी की और अपने अपोनेंट को 80 रनों पे रोका और उनके 8 विकेट गिरा दिए। और जब खुद इस टारगेट को ये चेस करने आए तो इन्होंने यहाँ पर 2 गेंदे रहते इस टारगेट को चेस कर लिया और मात्र अपने 5 ही विकेट गंवाए। तो इनकी ओर से दोस्तों इनके जो कैप्टन है गणेश्वर ओपन करने आते हैं पिनिंती तपास्वी के साथ, दोनों ओपनर्स यहाँ पे 4-4 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर 1 डाउन दोस्तों यहाँ पे बी मुनीश वर्मा आते हैं जो कि 7 गेंदों पे 9 रन बनाते हैं। मिट्टा रेड्डी दोस्तों यहाँ पर 1 गेंद खेलते हैं, खाता नहीं खोल पाते। सिल्ला श्रीनिवास दोस्तों यहाँ पे 19 गेंदों पे 38 रन बनाते हैं। मादिला वरदान दोस्तों यहाँ पे 11 गेंदों पे 16 रन बनाते हैं। और जाहिर अब्बास दोस्तों यहाँ पे 5 गेंदों पे 6 रन बनाते हैं। तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट और मैन बैट्समैन रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे CR गणेश्वर रहेंगे, पिनिंती इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मुनीश वर्मा, मिट्टा रेड्डी क्योंकि कीपर भी हैं और T20 अगर मैच होता है तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा सिरला। तो बैटिंग से ये 5 जो बैट्समैन हैं स्टार्टिंग के, इनकी ओर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। गेंदबाजी की बात की जाए तो अपोनेंट के 8 विकेट इन्होंने निकाले, तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे आशीष की रही, 2 ओवर के अंदर 12 रन दिए 3 विकेट निकाले। स्टेफन ने दोस्तों 2 ओवर के अंदर 1 विकेट निकाला, विजय को 2 ओवर के अंदर 1 विकेट मिला, बाकी यहाँ पे तपास्वी विकेट ले सके लेकिन 1 ओवर की बॉलिंग की और 2 ओवर में यहाँ पे रेड्डी थोड़े से महंगे साबित रहे। तो इनके जो मेन बॉलर होंगे वो स्टेफन होंगे, आशीष होंगे, विजय होंगे। तो जो भी बॉलर ने विकेट निकाले उनको तो आप कन्फर्म पिक करके चलिएगा, बाकी आप एच रेड्डी को भी ट्राई कर सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों इनके ओपोनेंट टीम की, यहाँ पे दोस्तों BZW जो अपना लास्ट मैच है उसको 6 विकेट से जीत कर आए हैं। इस मैच में इनकी टीम ने सबसे पहले गेंदबाजी की और अपने अपोनेंट को 119 रनों पे ऑल आउट कर दिया, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले दिए। और जब खुद इस टारगेट को ये चेस करने आए तो 18वें ओवर के अंदर ही इन्होंने इस टारगेट को चेस कर लिया और मात्र अपने 4 विकेट गंवाए। तो इनकी ओर से यहाँ पे बोधपति सुमंत और महीप कुमार ओपन करने आते हैं, दोनों ओपनर्स यहाँ पे 29 और 20 रन बनाते हैं। सुमंत यहाँ पे नॉट आउट रहते हैं, प्याला अविनाश यहाँ पर आकर एक अच्छी इनिंग खेलते हैं 143 के स्ट्राइक रेट के साथ, 32 गेंदों पे 46 रन बनाते हैं।
इसके अलावा रिक्की भुई जो कि इनके कैप्टन है, ये यहाँ पे 13 गेंदों पे 25 रन बनाते हैं। मनीष दोस्तों यहाँ पर एक गेंद खेलते हैं, खाता नहीं खोलते हैं। और केपी साई राहुल 2 गेंदों पे 2 रन बनाते हैं। तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट और मेन बैट्समैन रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे बोधपति सुमंत रहेंगे, महीप कुमार इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्याला अविनाश इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और यहाँ पे रिक्की भुई। तो बैटिंग से इनके ये 4 जो बैट्समैन है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। गेंदबाजी की बात की जाए तो अपोनेंट को इन्होंने अलाउड कर दिया। इनकी ओर से सबसे अच्छी गेंदबाजी ललित मोहन ने की, 4 ओवर के अंदर 3 विकेट निकाले। साई राहुल ने यहाँ पे 4 ओवर के अंदर 2 विकेट निकाले। बांद्रा ने 3 विकेट निकाले। इसके अलावा मनीष गोलामारू को भी एक विकेट मिला और रुक्की बोई ने भी 1 ओवर की बॉलिंग करके विकेट निकाला। तो इनके जो मेन बॉलर रहेंगे वो बांद्रा रहेंगे, बंदारू रहेंगे, यहाँ पे केपी साई राहुल इंपॉर्टेंट रहेंगे, ललित मोहन इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ पे मनीष गोलामारू यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस करिए ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी वो सीधा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी के समय दोस्तों यहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पे सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधा ऐप की ओर जहाँ पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ विकेट कीपिंग सेक्शन की तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले एम ए प्रनीत की तो इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे होने के कारण मैं आप इनको ट्राई नहीं करूँगा। एम रेड्डी जो है वो आपको 2 डाउन 3 डाउन या 1 डाउन के आसपास बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी दी हुई है जिस कारण से यहाँ पर मैं दोस्तों एम रेड्डी के साथ ही एज अ विकेट कीपर जाने वाला हूँ और यहाँ पर मैं इनको पिक करने वाला हूँ। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर मैं दोस्तों एम रेड्डी को ही एज अ विकेट कीपर पिक करके चलूँगा। बात की जाए दोस्तों अब यहाँ पे बैटिंग की तो बैटिंग से यहाँ पर हम आर भुई को पिक करेंगे जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं। बी सुमंत अपनी टीम के लिए आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, आप चाहो तो इनको भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर सिरला श्रीनिवास हैं जो कि आपको बैटिंग के साथ साथ काफ़ी अच्छा गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। देख सकते हो इस मैच में इन्होंने 4 ओवर के अंदर 3 विकेट निकाले थे तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सी गणेश्वर भी आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हो। यहाँ पे प्लेयर काफ़ी अच्छा है लेकिन अभी तक एक भी इनिंग इतनी अच्छी इनकी आई नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखा जाए तो के महीप पे ये भी ओपन करेंगे, आप इनके साथ जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं के महीप को पिक करूँगा। बाकी यहाँ से और कोई बैट्समैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप ट्राई कर सको। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर आते हैं बी सुमंत के, आप साथ जाना चाहो इनके तो जा सकते हो। बाकी अभी के लिए जो मैं 3 मैन बैट्समैन पिक करूँगा वो यहाँ पर दोस्तों आर भुई, श्रीनिवास और यहाँ पर दोस्तों के महीप मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा। अलर्ट सेक्शन से यहाँ पर मैं पी अविनाश को पिक करूँगा, पी तपस्वी बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, इनको ट्राई करेंगे। बाकी आपके सामने यहाँ पर पिक ऑप्शन निकल के आएगी एम गोलमारू की, आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हो। जो पहला मैच हुआ था वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, उस बेस पर मैं दोस्तों यहाँ पर इनके साथ जाऊँगा। तो देखा जाए यहाँ से मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट मैन ऑलराउंडर्स हैं उनको पिक कर लिया। बाकी यहाँ से और कोई ऑलराउंडर मुझे इतना इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है जिसको मैं पिक कर सकूँ। बॉलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे बी अयप्पा, स्टेफन रेड्डी इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसके अलावा मैं यहाँ पे कैसे साई राहुल के साथ जाऊँगा। बाकी यहाँ पर आशीष लास्ट मैच में 3 विकेट निकाल कर आए हैं, आप चाहो तो यहाँ पर इनको भी ट्राई कर सकते हो। किसकी जगह पर? एम गोलामारू की जगह पर। तो मैं यहाँ पर आशीष को पिक करूँगा। तो दोस्तों मेरी जो टीम है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है और यहाँ पर मैंने जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर 6 प्लेयर मैंने यहाँ पे CSR के पिक करके रखे और 5 प्लेयर हमने दोस्तों यहाँ पे BZW के पिक करके रखे हैं। दोनों ही टीम से यहाँ पे दोस्तों टॉप पोजीशन पे आती हैं। मैंने यहाँ पे 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 5 बॉलर का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। बात कीजिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे? तो कैप्टन पी तपस्वी को बनाएंगे जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों काफ़ी अच्छी कर रहे हैं टूर्नामेंट में। वाइस कैप्टन यहाँ पर आप श्रीनिवास को बना सकते हो। इसके अलावा नीचे से आप यहाँ पर चाहो तो किसी एक बॉलर को बना सकते हो, स्टेफन राहुल को। बाकी अभी के लिए मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन यही दोनों रहने वाले क्योंकि ये दोनों आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट कलेक्ट करके देंगे। तो मेरी दोस्तों टीम जो है वो यहाँ पे रेडी हो गई है, इसको सेव कर देते हैं और एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू ले लीजिए।
दोस्तों यहाँ पर सेम टीम के साथ ही स्मॉलिक ज्वाइन करेंगे और सेम टीम के साथ ही दोस्तों ग्रालिक ज्वाइन करेंगे। तो एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू ले लो, जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करें वहाँ भी जाकर आप लोग दोस्तों हमारी इस टीम का यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर इस टीम से कोई भी प्ले नहीं प्ले करता है आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो हमारी 100% विनिंग टीम होगी वो अगर आप चाहते हैं आपको मिले, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लें क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा लेना आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में कॉर्नर मैच को कवर करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।